नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो उनके हिंदू विरोधी नेता होने की छवि को पुख्ता करता है। पहले दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं के निशाने पर रहते थे, लेकिन अपने बयानों और कृत्यों से दिग्विजय सिंह अब कांग्रेस नेताओं की आंख की किरकिरी बनते जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विश्वबंधु राय दिग्विजय सिंह के बयानों से इतने आहत हुए कि उन्होंने दिग्विजय सिंह की शिकायत कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से की है। विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी से कहा है कि वे दिग्विजय सिंह की जुबान पर लगाम लगाएं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बयान से हिंदू वोटर लगातार नाराज हो रहे हैं। राय का स्पष्ट कहना है कि धारा 370 पर दिए गए दिग्विजय सिंह के बयान से हिंदू मतदाताओं में नाराजगी बढ़ी है। राय का कहना है कि दिग्विजय सिंह बेतु के बयान बहुसंख्यक समाज के खिलाफ हैं। इनके कृत्यों से इनके राज में भी कांग्रेस की हालत बिगड़ी है। राय का कहना है कांग्रेस को दिग्विजय सिंह की प्रोग्रेस को ही रोक देना चाहिए। विश्वबंधु राय ने सोनिया गांधी को भेजे पत्र में दिग्विजय सिंह की तमाम कमियों और गलतियों को उजागर किया है। पहले दिग्विजय सिंह के बारे में कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय की राय जान लेते हैं। मैंने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा है दिग्विजय सिंह के बयानों को, जो बेतु का बयान उनके बार बार आ रहे हैं 370, कोई भी ऐसा बहुसंख्यक लोग के खिलाफ जो बार बार उनका बयान आने से पार्टी को जो नुकसान हो रहा है, कई बार ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। इनको जो जो जिम्मेदारी दी गई वहाँ तो ऑलरेडी नुकसान हुआ ही है। जहाँ पे ये रह रहे, जहाँ पे ये राज्य संभालते, तो वहाँ पे भी नुकसान हो चुका है। पार्टी वहाँ सत्ता से जा चुकी है, और ना जाए और ना नुकसान हो, और कितना नुकसान करके लेंगे इन नेताओं को। कुछ और नेता है जो इस तरह का बयान दे रहे, फिलहाल तो अभी इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। जब समय आएगा तो उनके भी बारे में बोला जाएगा कि वो कौन से नेता हैं जो नुकसान पहुंचा रहे। और इनको बार बार राज्यसभा ये वो सब देते तो भी ये लोग पार्टी के इस तरह का नुकसान, तो क्या जरूरत है। इन लोग को तुरंत तत्काल रुकाना चाहिए और इनके बयानों को भी लगाम लगाना चाहिए और आगे इनका प्रोग्रेस रोक देना चाहिए पार्टी को। दिग्विजय सिंह को भाजपा सिर्फ ट्विटर का नेता घोषित कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह के खिलाफ माहौल बनना ये बताता है कि भविष्य में कई और कांग्रेसी भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। असल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कश्मीर राग अलाप के नई मुसीबत में गिरना शुरू हुए। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट पर पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर कहा था कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 का फैसला पलटेगा। इस बयान से दिग्विजय सिंह की मंशा को साफ समझा जा सकता है। दिग्विजय सिंह कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को खुश करने की राजनीति करने के कारण हमेशा ऊट पटांग बयान देते रहे हैं। उनका यह बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इस तरह की बात करके दिग्विजय सिंह बीजेपी पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन इससे हो उल्टा रहा है। अब उन्हें कांग्रेस ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक तो दिग्विजय सिंह को पसंद करने वाले लोगों की संख्या तेजी से कम हो रही है और वह ऐसा करके कांग्रेस की लुटिया भी डुबो रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह के बयानों से भाजपा नेताओं की त्योरियां चढ़ जाती थी, लेकिन अब दिग्विजय सिंह कांग्रेसियों को भी खटकने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अगर दिग्विजय सिंह बेवजह का मध्य प्रदेश की सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करते और फिजूल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पंगेबाजी नहीं करते तो संभव था कि कमलनाथ की कांग्रेस सरकार अब भी सत्ता में काबिज होती। एक खास वर्ग को छोड़ दें तो सबके निशाने पर दिग्विजय का बयान और दिग्विजय सिंह है। कांग्रेस के तमाम नेता दबी जुबान में कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान का मोटा अर्थ यही निकाला जा सकता है जो पाकिस्तान चाहता है। उसी किस्म का बयान दिग्विजय सिंह ने धारा 370 पर दिया है। ऐसे में पार्टी में और पार्टी के बाहर उनका विरोध होना एक सहज बात है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि धारा 370 पर दिग्विजय सिंह ने जो कहा उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिग्विजय सिंह की शिकायत की है और साफ कहा है कि दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को सोच समझ कर बयानबाजी करना चाहिए। इनके बयान कांग्रेस के एक बड़े वर्ग को कांग्रेस से दूर कर रहे हैं। AICC ने फिलहाल दिग्विजय सिंह की शिकायतों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन कांग्रेस दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयानों से दूरी बनाती नजर आ रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी दिग्विजय सिंह के क्रियाकलापों से खुश नहीं है। कमलनाथ कैंप का भी मानना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के लिए भी दिग्विजय सिंह जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है राजनीतिक दृष्टि से दिग्विजय सिंह के लिए अब समय ठीक नहीं है। ऐसे में फिर वह कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं तो कांग्रेस को उनके बारे में विचार करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।